अरे अरे भाई, ओपी भाई, एक लाइक बनता है गाइस, ये बहुत कम है पबजी मोबाइल में, बहुत कम लोगों के पास है गाइस। सो वेलकम गेमर्स, दोस्तों कैसे हो आप सभी, मैं करण आपका स्वागत करता हूँ केआरजी गेमिंग की एक और न्यू वीडियो में। एंड वीडियो दोस्तों आप वॉच करने के लिए आए हो तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं इसमें आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि यार डासिया बुचर ऑफ स्टैंडबल वाली डासिया कितनी रेयर है। आपने ये गेमिंग गुरु के इस शॉर्ट क्लिप में सुन लिया होगा एंड देख लिया होगा कि भाई उस बंदे ने 200 से ऊपर क्रेट ओपन की थी ना, तब भी उसे नहीं मिली थी। एंड उसने फाइनली जब ये ऐसे रैंडमली किसी प्रीमियम क्रेट को ओपन करते हुए ओपन कर ली तो यार उसको वहाँ पर मिल गई। क्यों, कैसे मिल गई, क्या प्रोसेस था, मतलब अगर आपने 600 यूसी में रॉयल पास खरीदा है तो आपके कितने चांसेस हैं कि आपको ये स्टेलबर वाली डासिया की स्किन मिल जाएगी। एंड आपके यार कितनी फ्री वाली क्रेट्स मिलेगी जिसमें ये पूरा सेट है। एंड देखो आपको बता दूं यार, कुछ सेट भी मिल सकता है आपको, इसका जो हेड गियर होता है वो भी मिल सकता है और बाकी देखो चीज़ें क्या, ये वाली स्किन बहुत रेयर है। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बंदों की आपने भाई क्रेट ओपनिंग देखी होगी जिसमें उन्होंने ना मतलब यार लाख लाख रुपए वो क्रेट ओपन पे खर्च कर देते हैं पर उन्होंने इस पर भी स्पेंड करने के बाद भी उनका ये स्किन नहीं मिली, क्योंकि यार ये स्किन का झोल ऐसा है कि सेट कर रखा है पबजी वालों ने कि काफ़ी 0.01% लोगों को ही मतलब रैंडमली ये मिलती है कुछ क्रेट्स ओपन करने पर। आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको कितनी टोटल क्रेट्स मिलेगी, आरपी क्रेट्स, जिसमें आप इसको फ्री में ओपन करने की ट्राई कर सकते हो। एंड आप एक बता देता हूँ, तो ये देखो दोस्तों स्टार्ट होता है 32 से, 32 पे आपको फर्स्ट आरपी क्रेट मिलती है जिसमें ये वाला पूरा बुचर ऑफ स्टैंडबल वाला पूरा सेट है जिसमें डासी की स्किन अवेलेबल है। तो 32 पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये 32 पे ये स्टार्ट होता है, देन उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ जाता है और आपको टोटल 4 ऐसे क्रेट्स मिलते हैं। अब देखो 4 क्रेट्स में दोस्तों ये स्किन का निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको आपके पास मतलब एक फिक्स टाइम एंड फिक्स आपके पास एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिसमें अगर आपके 4 में यार आपके चांसेस बन सके, क्योंकि मैंने एक ही बार ओपन किया है क्यों, और मुझे पता है उसमें मेरे पास सिर्फ बीपी कौन से वो क्या कहते हैं उसको सिल्वर फ्रेगमेंट्स ही निकले हैं और कुछ ज़्यादा नहीं निकला। तो आप 4 में कैसे ओपन कर सकते हो इसका मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। आप दोस्तों इसको शाम के 5 या 6 बजे के बीच में ट्राई करो एंड रैंडमली इसको आप कुछ भी ओपन करते रहना, मतलब आप कोई प्रीमियम क्रेट ओपन कर लेना, कुछ आप क्लासिक क्रेट ओपन कर लेना, या आपके पास में कोई सोल्जर क्रेट्स भी हो तो वो भी ओपन कर लेना, देन उसके बाद में इसको ओपन कर लेना ये आरपी वाली क्रेट्स को, तो वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि भाई देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं, सिर्फ कंफर्म नहीं है कि आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी बंदों ने इस पे यार मतलब 50-60 हज़ार यूसी खर्च करने के बाद भी उनको ये नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी कम बंदों को मिलती है। एंड मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें भाई गेमिंग गुरु ने कितनी क्रेट्स इसके ओपन कर ली थी उसके बावजूद भी इसको नहीं मिली थी एंड उसने रैंडम क्रेट में ये पाई है। पता है कितना क्रेट ओपन करने के बाद निकला है ये, कितना क्रेट, टोटल 288 क्रेट्स ओपन करने के बाद ये हमको निकला है गाइज। फाइनली गाइज, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, सीरियसली प्लीज़ कर देना, सारे के सारे बंदे कर देना। कतई गाइज, कतई ओपी गाइज, कतई ओपी। तो आपने देखा होगा 288 क्रेट लगी भाई गेमिंग गुरु को, जिस बंदे ने मतलब लाखों रुपए की क्रेट ओपनिंग करी है। तो यार इतनी क्रेट्स इसमें लगती है, मतलब आपको 150 से 200 क्रेट लगी जाएगी आपकी इसको ओपन करने में। सो मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये 4 बार में नहीं मिलती है ना भाई, तो इतना ज़्यादा ट्राई इसको मत करो, आपके पास ज़्यादा चीज़ नहीं है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ट्राई मत करो। मैंने काफ़ी बंदों को देखा जिन्होंने कमेंट किया कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे को ये ट्रिक बताओ, मेरे को ये ट्रिक बताओ। भाई ट्रिक कुछ नहीं है, एक बार शाम के टाइम बिल्स को जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि 4 क्रेट्स होती है आरपी क्रिएट्स, तो वहाँ पर इसको ट्राई कर लेना। एंड भाई फ्री का यूसी इस पर मतलब आपके पास अगर यूसी पड़ा है काफ़ी है तो यार ट्राई कर सकते हो, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर ज़्यादा यूसी लग रहा है तो बिल्कुल ट्राई मत करो भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूसी आपका ये क्रेट ओपन ले लेगा और यूएस की आपकी डासिया की स्किन फिर भी नहीं निकलेगी। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी किस्मत हर किसी की नहीं होती, काफ़ी कम बंदों को मिलती है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो जिसमें ये स्किन निकली है अभी तक, तो इस बंदे की किस्मत भी काफ़ी अच्छी थी जिसको ज़्यादा यूसी स्पेंड नहीं करनी पड़ी एंड उसकी ये क्रेट आरपी क्रेट ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही।
सो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी एंड काफी नॉलेजेबल लगी होगी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि यार बुचर ऑफ टेबल वाली डासिया की स्किन इतनी इजीली नहीं मिलेगी, अगर उस पर ज़्यादा स्पेंड करोगे यूजी तो इसमें आपका लॉस होगा। एंड मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यूअर का, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का लॉस हो, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा ट्राई मत करना। एंड जो भी मैंने क्लिप इसमें यूज़ की है भाई, मैंने वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल एंड समझाने के लिए यूज़ की। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी एंड कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट जरूर करना एंड एक लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जय हिंद।